नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिन्होंने भी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के एग्ज़ाम दिए थे टर्शरी ऑफिसर के लिए, स्पेशली हम GDS के लिए बात करते हैं, तो हम बात करने वाले हैं, उनके रिजल्ट आ चुके हैं और क्या रहेंगे आगे के प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें बताएंगे। आप देख सकते हैं ये जो लेटर आ गया है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से। तो आपने एक डेप्यूटेशन एग्ज़ाम दिया था, काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे थे एग्ज़ाम में। 28 तारीख को एग्ज़ाम हुई थी, उसके रिजल्ट बहुत जल्द आ गया है क्योंकि अप्रैल महीने से इस बैंक को चालू करना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों पत्र को, और यहाँ पे आपके रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन आपको अभी तक शायद मिला नहीं होगा। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा आगे हम बताएंगे। आप देख सकते हैं एक डेप्यूटेशन एग्ज़ाम था जिसमें आपको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से ट्रांसफ़र किया जाएगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में। तो दोस्तों ये है, ये पूरा डॉक्यूमेंट है। आपको रिजल्ट कहाँ मिलेगा अगर आप ये जानना चाहें तो, आपको रिजल्ट अपने सर्कल में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आपके सर्कल में रिजल्ट आएगा और वो भी ईमेल में आएगा, तो ऑफिसर आपको ईमेल में चेक करके बताएंगे आपका नाम है या नहीं। तो अपने सर्कल में कांटेक्ट कीजिए, सर्कल हेड से कांटेक्ट कीजिए, ईमेल आएगा उनके जो भी उनका अकाउंट होगा उसमें, फिर उसके ईमेल से आपका जितने भी नाम जिनके सिलेक्ट हुए हैं वो आपको पता चल जाएगा, मार्क्स भी पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया दोस्तों रिज़ल्ट की बात। रिज़ल्ट आ चुके हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा GDS को कन्फ्यूजन था, कुछ बोल रहे थे आ गए हैं, कुछ बोल रहे थे नहीं आए हैं। तो आपके सर्कल में भी ईमेल आप तक पहुंच जाएगा, दिल्ली से रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है। इसके बाद दोस्तों अभी ये जो लेटर है वो है वेरीफिकेशन का, आपका अभी वेरीफिकेशन होगा। जिनका भी सिलेक्ट हुए हैं उनका भी डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा सर्कल में, इसके बाद ही आपको ऑफिसर का पोस्ट दिया जाएगा। तो ये ज़िंदगी बदल देगा आपकी, जहाँ आप 6 से 10 हज़ार कमा रहे थे वहीं 27 हज़ार आप कमाएंगे। ग्रेजुएट होने चाहिए थे। नेक्स्ट आपको फॉर्म दिखा देते हैं, कौन सा फॉर्म वो भरेंगे। ये है फॉर्म दोस्तों, तो ये फॉर्म आप भरेंगे या फिर आपका ऑफिसर आपको भर के देगा। ये इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आप सिलेक्टेड हो जाएंगे। तो आप ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बस वहाँ पे आप अभी पोस्ट ले सकेंगे। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया था उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको पता चल जाए वो सिलेक्ट हुए हैं या नहीं। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमें, हमारे साथ। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और क्या क्या यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ रहेंगी, सारी चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे। धन्यवाद।